नई संसद की तर्ज पर उत्तर प्रदेश को भी मिल सकता है अपना नया विधानसभा भवन। इसी साल 25 दिसंबर यानी कि पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के जन्मदिन पर नींव रखी जा सकती है। करीब 100 साल पुराना उत्तर प्रदेश का विधानसभा भवन, इसे नया बनाने में 3000 करोड़ का खर्च आने की उम्मीद। नमस्कार, बहुत स्वागत आपका एनबीटी ऑनलाइन में। आपके साथ मैं हूं ऐश्वर्या। देश की राजधानी दिल्ली को अपना नया संसद भवन मिल चुका है। अब उम्मीद लगाई जा रही है कि उत्तर प्रदेश को भी अपना नया विधानसभा भवन मिलेगा। जी हाँ, नई दिल्ली के संसद भवन की तर्ज पर उत्तर प्रदेश में भी नया विधानसभा भवन बनाने की बात चालू हो गई है। खबर है कि पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती के अवसर पर यानी कि 25 दिसंबर को इस नए भवन की नींव रखी जा सकती है। दारुशफा यानी कि विधायक आवास और आसपास के क्षेत्र को मिलाकर इस भवन का निर्माण किया जाएगा। इस पर करीब 3000 करोड़ की लागत आने की उम्मीद जताई जा रही है। योगी सरकार का लक्ष्य है कि 18वीं विधानसभा के कम से कम एक सत्र का आयोजन इस नए भवन में हो। बता दें कि मौजूदा भवन जरूरतों के हिसाब से छोटा पड़ रहा है। इस मौजूदा भवन का उद्घाटन 1928 में हुआ था, यानी कि ये करीब 100 साल पुराना है। वहीं साल 2023-24 में 50 करोड़ का बजट टोकन के तौर पे पास भी कर दिया गया इसके निर्माण के लिए। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक कुछ समय पहले प्रदेश में नए विधानसभा भवन के निर्माण के लिए कंसल्टेंट का चयन किया गया। कंसल्टेंट ने मिट्टी के सर्वे और छोटे मोटे काम पूरे भी कर लिए, लेकिन इन सब चीजों को काफी गोपनीय रखा गया है। अब लक्ष्य रखा गया है कि 2027 तक नए विधानसभा भवन का निर्माण कार्य पूरा हो जाए। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक लोक भवन के पीछे जो दारुशफा है, जहां पर विधायक आवास है, वो काफी पुराना है, उसे पहले ढाया जाएगा। जरूरत के अनुरूप अन्य भवनों को भी इसके दायरे में लाया जा सकता है। और 25 दिसंबर जो कि पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के जन्मदिन की भी तारीख है, उस दिन पर आधारशिला रखने की बात कही जा रही है। अब बात यूपी विधानसभा के इतिहास की, तो यूपी विधानसभा का इतिहास 97 साल पुराना है। मौजूदा विधान भवन की नींव 15 दिसंबर 1922 को तत्कालीन गवर्नर सर स्पेंसर हरकोर्ट बटला ने रखी थी। इसको बनने में 6 साल का वक्त लगा। उद्घाटन 21 फरवरी 1928 को हुआ। इसका निर्माण कोलकाता की मेसर्स मार्टिन एंड कंपनी द्वारा किया गया। मौजूदा विधानसभा में फिलहाल 403 विधायकों के बैठने की जगह है। इस असेंबली में एक मुख्यमंत्री, दो उप मुख्यमंत्री, एक दर्जन कैबिनेट मंत्री, विधानसभा अध्यक्ष और लगभग 70 डिपार्टमेंट्स के प्रमुखों के कार्यालय हैं। 150 साल का इतिहास समेटे है ये विधानसभा। मगर अब आजादी के 75 साल बाद यानी कि अमृतकाल में वक्त आ गया है इस इतिहास को बदलने का और एक नई इबारत लिखने का। फिलहाल ये थी उत्तर प्रदेश की विधानसभा पर हमारी पूरी अपडेट। उत्तर प्रदेश की ऐसी ही छोटी बड़ी खबरों को जानने के लिए आप जुड़े रहिए एनबीटी ऑनलाइन के साथ।